हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लव पिंक क्रिएटिव होममेकर में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ इजी एंड टेस्टी गाजर हलवा की रेसिपी। फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट रेसिपी वीडियो है। अगर आपने मेरी रेसिपीज़ को लाइक किया तो मैं आपके लिए आगे ऐसे ही और वीडियो लेकर आती रहूँगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए गाजर, जिसे मैंने धो के कद्दूकस कर लिया है, और खोया जिसे मावा भी कहते हैं, बादाम और कुटी हुई इलायची, किशमिश, चिरौंजी, ड्राई फ्रूट्स आप कोई भी अपनी पसंद से ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई को गर्म कर लिया है। फ्रेंड्स, मैं यूज़ कर रही हूँ लोहे की कढ़ाई, क्योंकि हमारे यहाँ लोहे की कढ़ाई में ही डिशेस बनती हैं जो कि बहुत टेस्टी होती है। हल्का गर्म होने पे सबसे पहले हम खोए को इसमें भून लेंगे अच्छे से। भूनते हुए ख्याल रखें, इसे बराबर चलाते रहना है जिससे ये जल ना जाए। पांच दस मिनट में हलवे का रंग गोल्डन कलर का हो जाएगा, तो आप इसे निकाल लें। अब हम डालेंगे कढ़ाई में देसी घी और इसमें हम डालेंगे कसे हुए गाजर को। सारा गाजर डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स करके इसको चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, इसको चलाते हुए हमें बार बार चलाते हुए अच्छे से भूनना है जिससे ये जले नहीं। अब हलवे का कलर चेंज हो गया है, ये अच्छे से भुन गया है। हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। सब चीज़ों की मात्राएं आपको अपने अकॉर्डिंग लेनी है, आप जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो उस हिसाब से। चीनी मिक्स करके हमने इसको ढक दिया है 30 मिनट के लिए, और अब हलवा हो गया है तैयार। इसमें मिलाएंगे ड्राई फ्रूट्स और इसको फिर से 5 मिनट के लिए मिक्स करके अच्छे से भूनेंगे। अब हमें ढकना नहीं है, इसको खुला ही भूनते रहना है। आंच आप अपने हिसाब से कम और ज्यादा कर सकते हो। अब हमारा हलवा तैयार हो चुका है, तो भुने हुए खोए को हम इसमें ऐड करेंगे। इसको अच्छे से क्रम्बल कर लीजिए और मिक्स कीजिए। हलवे को चलाते हुए मैंने इसमें खोए को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब खोया डालने के बाद हम इसको 5 मिनट तक और अच्छे से चला के मिक्स करेंगे और भूनेंगे। अब फ्रेंड्स, हमारा गाजर का हलवा रेडी हो गया है। अब आप इसे प्लेट में निकाल लें और ड्राई फ्रूट से गार्निश करके अच्छे से डेकोरेट करके आप सर्व करें। तो तैयार है हमारा इजी एंड टेस्टी गाजर का हलवा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।